लोगों ने ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं उनका हमने कलर कोड दिया है। जैसे कि ये रेड कलर है आपका पावर होगा, और जैसे कि आपका ऑरेंज कलर है ये आपका इनपुट होगा, और जैसे ये आपका येलो कलर है ये आपका आउटपुट होगा। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रो ब्रेक्स। इन चीजों को जोड़ जोड़ के हम चीजों को बना सकते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक मैं एक आपके सामने एग्जांपल दूंगा जो आपको देख के उस लगेगा। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, एक पावर ली और एक बटन लिया, हमने इसको ऑन करने के लिए बटन दबाया तो आपका इस तरीके से ये आपका ऑन होगा। इस तरीके से हमका ये रोबोट्स बनाए हैं, इस तरीके से हमने बोर्ड बनाई है, और इस तरीके से हमारी किट्स होती हैं। ऐसे ही हम लोगों ने इस तरीके की हाफ सेंटर मोटर लगा के उसको हमने चलाया है जो आपका टच करने से चलती है। इसी तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया है जिस बॉक्स में हम क्या करते हैं, ये आपका नाइट होने पे खुल जाता है और दिन होने पे ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से हमने एक साइंस मॉड्यूल बनाया है जो आपका ऑन होता है और चलता है। रोबोटिक्स फील्ड में है आपका, जैसे सेंसर्स होते हैं, मॉइस्चर को डिटेक्ट करते हैं, पानी को डिटेक्ट करते हैं, गैस को डिटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने इस बोर्ड में प्रोग्राम कर रखे हैं। ये आपका पौधों के हेल्थ को मेजर करता है। और हम लोग देखते हैं कि चींटियां अपने झुंड में काम करती हैं, उसी तरीके से हमने स्वार्म रोबोटिक्स का एक कंसेप्ट डेवलप किया है कि हमने छोटे छोटे रोबोट्स बनाए हैं जो आपका चींटियों की तरह काम करते हैं, और अपना काम करने के बाद एक झुंड में आकर वापस खड़े हो जाते हैं, उसे बोलते हैं स्वार्म रोबोटिक्स। तो ये हमारा एक छोटा रोबोट्स है जो आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है आपका, आप अपने फोन से चला सकते हो उसे, और कहीं से भी वर्ल्ड वाइड आप उसको नेविगेट कर सकते हो। उसी तरीके से हमने एक छोटा सा रोबोट बनाया जिसे बोलते हैं लाइट फ्लावर रोबोट। इस रोबोट की स्पेसिफिकेशन ये है कि ये प्री प्रोग्राम है, इसमें 25 प्रोग्राम पड़े हुए हैं। आप जैसे से बनाना चाहोगे बटन से प्रेस करके 1, 2, 3, 4 जो प्रोग्राम्स लिखा हुआ है उसे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये अपना वर्किंग करने लगेगा। ये एक रोबोट है जो आपको स्पीच करता है, आपसे हेलो बोलता है, हाउ आर यू करता है। आप इसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम दे रखी, जो इसके हेलो बोलोगे तो उसका आंसर देगा हेलो सर, यानी कि कॉपी पेस्ट आपका ही करता है। उसी तरीके से हमारे पास एक 3D प्रिंटिंग का कंसेप्ट है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटोटाइपिंग है उन चीज़ों को डेवलप करते हैं और जो डिजाइन है उन्हें बनाते हैं। ये कैड कैम में बना सकते हैं आप, कोरल में बना सकते हो। उसको प्रिंट करने के लिए आपको 3D प्रिंट चाहिए जो 3D इमेज को प्रिंट करता है, तो आप उसे फ्लावर्स बना सकते हैं, पहली इंडस्ट्रियल डाई बना सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने आपका यहाँ पे शोकेस कर रखी है और इंडस्ट्री को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू सर।